अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह के फजल व करम से अच्छे होंगे। अभी सुबह दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी शिफा के लिए मैं स्कूल के लिए तैयारी कर रही हूँ, शिफा को तैयार कर रही हूँ। और अभी हम लोग जाने वाले हैं शिफा की स्कूल, क्योंकि उसके अब्बा छोड़ के आते हैं हमेशा। अभी मैं जा रही हूँ। ये देखिए, हमारी शिफा को मैंने कर दी हूँ तैयार, शिफा को तैयार की हूँ। अभी बस स्कूल जाना है। अभी तक तो स्कूल का ड्रेस मिला ही नहीं है, इस वजह से इसको घर के ही कपड़ों में रोज़ जाना रहता है। चलो, अभी टिफिन में क्या चाहिए बेटा? अभी दादा क्या लाए थे रात में? बिस्किट। दादा बिस्किट लाए थे, ठीक है। बिस्किट और क्या चाहिए? जो बना है वो, जो घर में बना है। घर में तो अभी तो चाय पराठा तुझे खिलाई हूँ मैं, और अभी तो रोटी है, क्या दूँ घर में, घर का। चल ठीक है, अंडा रोटी तेरे को दे देती हूँ टिफिन में। हाँ नहीं 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये शिफा के लिए हमारी बन रहा है आमलेट, और वो आमलेट खाती है सिर्फ नमक वाला। ये देखिए, सिर्फ नमक वाला आमलेट खाती है, उसको तेज़ आमलेट या दूसरा। अभी स्कूल तो जाना है, तो स्कूल में तो हाफ फ्राई नहीं ले जा सकते, और उसको ज़्यादातर हाफ फ्राई पसंद है। अभी स्कूल का टाइम हो गया और बारिश बहुत फास्ट हो रही है। अभी इसको बना कर दे रही हूँ आमलेट। बोली मैंने उसकी कि रोटी देती हूँ तेरे को, आमलेट रोटी तो होती है। नहीं दादी, आमलेट रोटी नहीं, मेरे को आज चाहिए पाव। तो इसके लिए मैंने अभी 2 पाव मंगा ली हूँ, और अभी इसको आमलेट बना कर दे रही हूँ स्कूल के लिए। अच्छे से गर्म हो जाए तो तेरे लिए अभी मैं आमलेट 2 मिनट में बनाती हूँ। ये अल्लाह, क्या बारिश फास हो रही है। देख, अभी तो स्कूल जाने जाने तक ही भीग जाएगी। अभी स्कूल जाने जाने तक ही शिफा भीग जाएगी, क्योंकि शिफा के पास रिंकोट नहीं है, छतरी नहीं है, शो की चीज़ लेती हूँ। रिंकोट बोले लेने के लिए तो होती नहीं, मेरे को रेनकोट नहीं चाहिए, छतरी चाहिए। अब देख लिया, अभी पूरे कपड़े भी देखने, अच्छे कपड़े अभी पूरे भीग जाएंगे। अच्छे से इस्तरी करके अभी मैंने तुझे पहनाई, अभी पूरी तू भीग जाने वाली है। ऐसे अल्लाह 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 टूट गया, शिफा का अंडा टूट गया। अरे थोड़ा तिर पाँव भी गर्म कर देती हूँ। चलो, अभी टिफिन का है तेरा। रोज रोज पानी की बॉटल है बेटा, घुमा कर आएगी तो कहाँ से मैं तेरे को लाके दूँ? इसके लिए तेरे लिए भी ना मैं ये पीती हूँ, इसके लिए तेरे लिए ऐसे ही बॉटल अभी जमा करके रखूंगी। बार बार तू घुमाएगी तो मैं कहाँ से तुझे ला कर देते जाऊँ रोज रोज नई बॉटलें। देख, इसका ढक्कन भी टाइट है, पानी गिरेगा नहीं। ये बिस्किट का पॉकेट है, और ये है अभी अंडा पाव। आराम से खाना, हाँ दोनों पाव खा लेना तो भूख नहीं लगेगी। ये ले तू भी खा ले अंडा। देखा टिफिन में जा रही हूँ,
या से अच्छे से खा लेना। का काम भी नहीं की हूँ, इस वजह से सारा ऐसा ही पड़ा है। ये मेरा पोता अभी मदरसे से आया है ना, तो वो बहुत लेट उठता है, उसके लेट उठने की वजह से मेरे घर का काम भी लेट होता है। ये देखिए अभी ये यहीं पर सोया हुआ था, सारा कचरा घान बजा बना के कपड़े बिस्तर सब इधर ही छोड़ दिया उसने। और ये इसमें है कि शिफा नाश्ता की, शिफा ने सब कुछ ऐसा ही छोड़ दी। ये देखो ऐसे ही शिफा ने भी छोड़ दी। अभी मैं लगाई हूँ मशीन, अभी मैं धो रही हूँ कपड़े, अभी जब तक मैं इसको स्कूल छोड़ कर आ जाऊँगी तब तक मेरे कपड़े हो जाएंगे। ये देखिए अभी कपड़े चल रहे हैं मेरे, आ जाऊँगी स्कूल से तब तक कपड़े हो जाएंगे। पहले बैग तो लगा लें। ये हम लोग जा रहे हैं अभी स्कूल छोड़ने के लिए। ये देखिए कितनी बारिश, बहुत फास्ट बारिश आ रही है। चल बेटा जल्दी चल, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। ये देखिए इतनी फास्ट बारिश हो रही है। मैं स्कूल के लिए लेके निकली शिफा को, तो आधे रास्ते से ही वापस आई, क्योंकि दूसरे दो तीन बच्चे और मिले, वो लोग बोले कि अरे आंटी अभी तो दो दिन के लिए मैसेज भेजे हैं, आप मैसेज मोबाइल में नहीं देखे क्या, दो तीन दिन बारिश ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। देखिए माशाल्लाह बारिश तो बहुत फास्ट हो रही है। अभी बच्चों की तो छुट्टी बोल दी, इसलिए मैंने शिफा को अभी घर पे छोड़कर आ गई, और अभी मैं जा रही हूँ। अभी मैं बोली चलो मार्केट निकलूँ, वैसे ही अभी नीचे उतरी हूँ, तो अभी इसलिए मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। अभी मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा भाजी तरकारी ले लूँ, जब नीचे आई ही गई हूँ, तो इस वजह से मैं अभी ले रही हूँ भाजी तरकारी लेने के लिए अभी जा रही हूँ मैं। ये देखिए अभी हमारे कादर पैलेस के रोड पर आ गई हूँ मैं सोची चलो निकली हूँ बाहर तो कुछ लेके ही जाऊँ, ऐसे भी भीगना ही है, फिर दोबारा वापस क्या करने जाऊँ घर पे, इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। थोड़ा कुछ देखती हूँ, हरी मिर्ची लेना है, भाजी तरकारी लेना है, तो थोड़ा वो ले लूँ। 12:30 के वक्त रोड पर इतनी सारी वैन लगी रहती है स्कूलों की, वही देखिए अभी मैं बाहर आई हूँ रोड पर देख रही हूँ, तो कोई वैन नहीं नज़र आ रही है। देखिए आज सब छुट्टी है स्कूलों की, मुझे ज़रा भी नहीं मालूम था। मैंने जल्दी जल्दी से शिफा को तैयार की, जल्दी से उसका टिफिन बांधी, मैंने बोली चलो छोड़ के आ जाऊँ आज मैं स्कूल, वरना हमेशा तो मैं कभी जाती ही नहीं हूँ, उसके अब्बा ही ले के जाता है उसको, तो मैंने सोची चल मैं आज जाती हूँ। तो आज जैसे मैंने जाने का सोची, तो ये देखो पता चला कि स्कूल ही बंद हो गई है, इस वजह से अभी मैं, ये देखिए हमारी रोड पर देखिए सारा, इतनी हवा भी चल रही है, मुश्किल से मेरे से छतरी संभल रही है। एक तो मेरी छतरी बड़ी है और बड़ी मुश्किलों से उसको मैं संभाल रही हूँ छतरी को, बहुत हवा चल रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हवा चल रही है अभी। चलिए अभी मैं मार्केट में जा रही हूँ, अभी तो मैं अपना कैमरा बंद करती हूँ, क्योंकि छतरियाँ यहाँ सब एक दूसरे से टकराती रहती हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बारिश हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखिए मैं बड़ी मुश्किल से अपनी छतरी संभाल कर चल रही हूँ रोड पर, क्योंकि हर तरफ से हवा आ रही है, इधर से उधर से सब तरफ से हवा आ रही है। बड़ी बहुत मुश्किलों से छतरी को संभाली हूँ, और मैंने छतरी भी इतनी बड़ी नहीं हो कि अल्लाह हू अकबर नहीं लेना चाहिए था, आज पछताई कर रहा मैंने इतनी बड़ी छतरी क्यों ली। देखो इतनी बड़ी मैंने छतरी ली के मुझे अभी संभालना भारी हो रही है मुझे छतरी। अल्लाह हू अकबर, मेरी छतरी जा रही है, मेरी छतरी उड़ रही है, उड़ गई मेरी छतरी उड़ गई। ये देखो बाजार से आई मैं और पूरा भीग गई, इतनी बड़ी छतरी ले जाने के बावजूद भी पूरा भीग गई, इतनी हवा आ रही है वहाँ पर, बहुत रोड पे हवा और बारिश फास्ट, मेरी छतरी भी पूरी पलट गई, और सीधी करने के वजह से मेरी छतरी भी खराब हो गई है। बाप रे बाप, क्या बारिश है, जोरों से बहुत फुल बारिश आ रही है। अल्लाह अल्लाह, ये बिल्ली का येलो है और मेरा रेड है, आ जाओ पहले बिल्ली की बारी, आ इसको ऐसे, अरे ये पकड़ाओ बिल्ली, इसे दो इधर,
अरे नहीं बढ़ाएगी, एक दो, अब मेरी डाइट एक नहीं नहीं खेलने का उसको, बस हो गया नहीं खेलने का, ए देख खेलेगी वो खेल, अच्छा उसको पेट शिफा हो गई है पागल, कोई खेलने वाले हाँ सिखाने का लूडो खेलेगी वो, कोई बच्चे साथ में खेलने वाले नहीं है इसके लिए, बस बिल्ली के साथ खेलते रहती है। अच्छी गोटी बनाएगी, अच्छा नहीं बनाएगी, एक दो तीन चार, चलो देखते कौन जीतता। चलो मेरी डायरी इसमें खेलूँ, एक दो तीन चार। ये देखिए मैंने अभी जब बारिश में गई थी तो लेकर आई कोथमीर, मेथी, हरी मिर्ची, सोया की भाजी, ये सब लेके आई, लेकिन बारिश से पूरी भाजी तरकारी इतनी गीली पूरा चीकड़ से मेरी थैलियाँ भर गई थी। फिर मैंने घर में आई जल्दी से बाल्टी में पानी लेके पूरी भाजियों को मिर्चियों को सबको धो के देखो पंखे के नीचे इस तरीके से मैंने सुखाने के लिए कपड़े पर रख दी हूँ ताकि इसका पानी सूख जाए तो मैं सब साफ़ करके फ्रिज में रख दूँ। अगर ऐसे ही रख दूँगी तो ये देखिए सोया तो अभी सड़ने ही आ गया है पानी की वजह से, इस वजह से मैंने बोली गिराव जाने दो। अभी सारी भाजी तरकारी सब कुछ काट कर ही मैं फ्रिज में रखती हूँ, जब भी पकाना रहेगा पका लेंगे, फिर भी मुझे इसको जल्दी ही पकाना पड़ेगा वरना इसको एक से दो दिन रखूँगी तो सारी भाजी मेरी ख़राब हो जाएगी। कोथमीर कितनी महंगी थी अभी देखिए कितनी सस्ती हो गई क्योंकि बारिश बहुत आ रही है, बारिश आने की वजह से कोथमीर भी अभी ज़रा सस्ती हो गई है। ये देखिए कितने सब भाजी तरकारी वाले बेचारे परेशान हैं और सारी छतरियाँ सबकी धंधे वालों की सबकी छतरियाँ उड़ जा रही है, बहुत बहुत हवा चल रही थी और बारिश भी बहुत फंसा, अभी तो ऐसा हो गया है। अभी देखिए कितना बज रहा है, अभी चार बज रहा है, चार बजे इतना अंधेरा अंधेरा बाहर हो गया है और बारिश भी बहुत फास्ट आ रही है। देखिए मैं बताती हूँ अभी बाहर का आपको, ये देखिए आखिर भी बारिश हो ही रही है, इतना है कि थोड़ा हवा रुक गई है, हवा नहीं आ रही है लेकिन बारिश तो फास्ट आ रही है। मैं बाज़ार गई थी उस वक्त तो 12:30 के टाइम तो बहुत फास्ट बारिश के साथ साथ हवा, बारिश फास्ट रहे तो इंसान चल भी सकता है लेकिन हवा से नहीं चल सकते। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने आप को संभाली, हाथ में थैलियाँ बाज़ार की लाई सब मार्केट से, भाजी तरकारी थैलियाँ छतरी और बुरखा पकड़ो, इतना मुश्किल हो रहा था मुझे। मैंने बोली बाबा इसी बारिश में तो बाज़ार को नहीं जाना चाहिए, मैं सोची चलो नीचे उतर ही गई हूँ अभी तो बाज़ार लेते हुए सामान अपना जाऊँ, तो बड़ी मुश्किल से मैं आई, मालूम है छतरी होते हुए भी थोड़ा मुझे भीगना ही पड़ा। अरे गोटियाँ किधर गई सारी कैरम की, अरे 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 अरे, अरे। चलिए अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।